अब आप देखिए, अगर पूरे मैप को आप देख लीजिए तो स्कूल ऑफ थॉट हर एक की आपको मेजॉरिटी नजर आएगी। ये जो ग्रीन कलर है ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे ज्यादा है, और थोड़ा सा आप ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर लें तो मालकी स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा है, और शाफई स्कूल ऑफ थॉट ब्लू कलर का है, तो ये वो देखें समुंदर के साथ साथ है। फिर इसी तरह जाफरी स्कूल ऑफ थॉट वो ज्यादा ईरान और इराक में और बहरीन में आप चले, वो मेजॉरिटी जाहिर है उनकी, और बाकी पाकिस्तान इंडिया में वो मौजूद है, अफगानिस्तान में भी मौजूद है। तो इस तरह से ये दुनिया में ऐसे ये स्कूल ऑफ थॉट ऐसे आम फैले हुए, आप इसमें आपसे देख रहे हैं तो ऐसे भी आप देख सकते हैं इसे। क्या स्कूल ऑफ थॉट इस तरह से फैला? एक सिर्फ इजिप्ट है कि जिसमें सारे स्कूल ऑफ थॉट इकट्ठे हो गए, वरना अमूमन ये होता है कि वो एक खास तौर पर एक पे ही फोकस रहा है। देखिए फर्क आपको फील होगा। अब फुकहा में इख्तलाफ की रीजंस क्या होती रही हैं, ये मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ, अगले लेक्चर में हम तफसील से अर्ज करेंगे। एक तो कुरान मजीद और अहदीस की किसी इबारत को समझने में फर्क, इसको ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल से इसको वाज़े किया, लस्कुरू को। अब कुरान मजीद में ये हुक्म आया ना, वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बि अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, इसका मतलब ये है कि तलाक याफ्ता खवातीन को चाहिए कि वो खुद को दूसरा निकाह करने से पहले तीन कुरू तक रोके रखें, यानी ये इद्दत है। तो ये कुरू का मतलब क्या? अब इस लफ्ज को समझने में थोड़ा इख्तलाफ हुआ फुकहा में। अब इसमें जो मेजॉरिटी है इनके, अच्छा ये अरबी में ये दोनों मीनिंग में आता है, यानी कुरू का मतलब ये होता है कि पीरियड खवातीन का जब खत्म होता है तो उसको कुरू कहते हैं। अच्छा इसका रिवर्स भी इसके मीनिंग में है कुछ अरबों में, वो समझते हैं कि नहीं, कुरू इसको कहते हैं कि जब से एक पीरियड शुरू होता है। तो अब देखें इसमें फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि कुरान मजीद में हुक्म ये दिया गया पीरियड के बाद आप तलाक जो है वो दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। और ये भी उसमें हुक्म हुआ कि जनाब जब ये पीरियड खत्म हो तो उस वक्त आपको इज़दवाजी ताल्लुक भी ना किया तो तभी तलाक दें, या पढ़ चुके हैं उसे। तो आप उस बेसिस से आप देखिए तो कुछ ने यही किया कि भी ख्वातीन का पीरियड जब खत्म होता है तो वहां से आप वो तीन कुरू आप करें, यानी आप वो जो पीरियड के बाद का जो पीरियड है ना इसको आप कैलकुलेट करें। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये ले जाके कुछ आप कहेंगे तो ऑलमोस्ट 80 डेज बनेंगे। अच्छा कुछ स्कॉलर्स ने इसका मतलब ये समझा कि शायद ये पीरियड के टाइम को कहते हैं, तो उन्होंने इसको 90 डेज कर लिया, बस इतना फ़र्क है। यानी एक माइनर से ही फ़र्क है कि इद्दत कुछ के ख्याल में 80 डेज होती है, कुछ के ख्याल में 90 डेज होते हैं, तो इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं कि एक बड़ा कोई इशू नहीं। तो इस तरह के इख्तलाफ होते हैं। अच्छा हदीस की जाँच पड़ताल की ज़रूरत होती है कि ये हदीस वाकई ऑथेंटिक है या नहीं है, इसमें भी इख्तलाफ हो सकता है ना इंसान। ज़ेर बहस मामले की नौइयत को समझने में कुछ इख्तलाफ हो सकता है कि ये मैंने वही एग्जांपल पिछले लेक्चर में दी थी, कैसे जानवर में ज़कात है। तो अब जैसे हनफी स्कॉलर्स वो पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा आए तो इन्होंने देखा कि भैंसे हैं, तो इनको आया कि यार ये बिल्कुल गाय की है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय पे ज़कात इम्प्लीमेंट की थी, इन्होंने सेम भैंसों पे किया। अच्छा वो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ना कि कुछ और इलाके में ये इख्तलाफ आ जाए कि जैसे स्पेशली उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान वगैरह में वहाँ घोड़े ज़्यादा होते, तो उन्होंने घोड़े पे भी उनके कई स्कॉलर्स ने वो गाय को ही अप्लाई किया ज़कात को। ये देखिए इसमें फ़र्क आएगा ना, ये एक समझने में एक फ़र्क ऐसे आ सकता। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्रोडक्शन होती थी एग्रीकल्चर,
तब सवाल आया कि अब ये हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बन गई हैं या आप इंफॉर्मेशन एज में आ गए हैं तो अब ये सॉफ्टवेयर बन गए, इसमें ज़कात कैसे अप्लाई होगी। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये किया कि ये बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह ही जितनी परसेंटेज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी 5% या 10% वैसे ही अप्लाई होनी चाहिए। कुछ स्कॉलर्स में इख्तलाफ ने भी इसको तो हम आम बिजनेस के एसेट्स की तरह ही लेना चाहिए कि जिसपे 2.5% होती है। तो ये इस तरह के इख्तलाफ ऐसे ही सूद क्या है, ये है कि नहीं है, ये ट्रांजेक्शन, इस तरह के इख्तलाफ होते रहते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड और माहौल के लिहाज से भी फर्क आया। इसकी एक एग्जाम्पल जैसे आई कि जनाब पानी कितना हो कि इसमें एक अगर कोई गंदगी का एक कतरा गिर जाए तो क्या वो नापाक हो जाएगा। तो इसके लिए इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा के थे, तो उन्होंने अपने इलाके के बैकग्राउंड के लिहाज से दो किले पानी, यानी ऑलमोस्ट इतना आप कह लें कि एक ड्रम जितना बड़ा हो तो इसमें एक कतरा गिर जाए तब ये पाक ही होता है। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने इसको जो है ना वो किया कि नहीं भाई, ये 10 हाथ मल्टीप्लाई बाय 10 हाथ, तो इतना बड़ा करें तो एक बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल बन जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा हो तो उसमें एक कतरा गिरे तो वह नापाक होगा, वरना इससे छोटा हो तो नापाक हो, फिर तो गंदा हो जाएगा ये पानी। तो वो इसका एक इख्तलाफ। तो ये देखिए कि हर एक के बैकग्राउंड से फर्क आता है, इज्तिहाद के तरीकों में भी फर्क आता है। ये अहलुर राय और अहलुल हदीस की मैंने मिसाल दी थी। अहलुर राय वो लोग थे कि जो इराक के लोग थे जिसमें फिर अबू हनीफा पैदा हुए। अहलुल हदीस वो थे कि जो हिजाज यानी मदीना मुनव्वरा और मक्का के थे, खासतौर पे इमाम मालिक, तो वो ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल वहीं पे जो सहाबाए किराम के अमल पे फोकस करते थे। अहलु राय जो है वो लॉजिकली ज़्यादा सोचते थे, जिसको कयास कहते हैं। यानी कयास का मतलब ये है कि अगर कुरान और हदीस में कोई हुक्म आया है तो उससे मिलता जुलता जो मामला आएगा तो उस पर भी वो अप्लाई होगा। यानी ये वही एग्जाम्पल है जो अभी अर्ज की थी कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय पे ज़कात का जैसे फरमाया तो भैंस पे भी ऐसे ही होना चाहिए, बकरे पे जितनी ज़कात है तो सेम हिरन पे भी वो। तो ये कयास की एक एग्जाम्पल। तो इस तरह देखें तो ये इख्तलाफ आते हैं, तो इख्तलाफ आने से आपको डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बता दिया था कि भी आपने अच्छी नीयत के साथ आपने जो रिसर्च की, सोचा समझा, तो इसमें इश्तेहाद किया, तो तब भी गलती भी होगी तब भी अजर मिलेगा, और सही हो गया तो फिर डबल अजर मिलेगा, तो इसलिए बेफिक्र रहें। तो इसमें अच्छा, अब आप कहेंगे कि जनाब आजकल बड़े ये स्कॉलर में इख्तलाफ आते हैं, वाकई होते हैं, तो आप भी इसमें लॉजिकली उनकी रीजंस को पढ़ें समझें, फिर आपको डिसीजन लें, तो फिर आपका इश्तेहाद होगा और आपका उसमें फिर ये सही आ जाएगा तरीका। इज्तिहाद के तरीके में जैसे मैंने वो मुख्तसरन वही अर्ज़ किया कि कुरान और सुन्नत में बयान करदा को समझने में कोई फ़र्क आ गया, या मामले की नौयत को समझने में कोई फ़र्क आ गया, या कुरान और सुन्नत में कुछ हुक्म ही नहीं है लेकिन शरीयत को या मंशा मालूम करके अप्लाई करने में कोई फ़र्क आ गया। सद ज़राए जिसको प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, इसके लिए कुछ स्कॉलर्स ने किया। इसके लिए एक एग्जांपल से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जैसे ट्रैफिक में ये जितने कानून बने हैं ना, ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि जनाब आप जैसे पाकिस्तान इंडिया में आप ये करते हैं सिर्फ लेफ्ट की साइड पे ही चलते हैं और सिग्नल कोई भी क्रॉस नहीं करते, ये पूरी दुनिया का कानून बन गया। क्यों बना? सिर्फ इसलिए कि लोग ना मर जाए, एक्सीडेंट ना हो, बस यही मकसद है ना। तो इस तरह के कुछ स्कॉलर्स ने सद ज़राए के कवानीन भी बनाए। मामले को समझने में भी इख्तलाफ हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकती है, इसमें किसी बड़े से बड़े स्कॉलर को बड़े बड़े फुकाहा में गलतियां भी हुई हो सकती, और फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा पीरियड भी आया कि गलत नीयत भी आई, तासुब भी आया, तो उससे भी फिका में ये फर्क भी आया। इसलिए मैं यही मशवरा दूंगा कि आप किसी एक पे ज्यादा फोकस ना कर लें, बल्कि आप और स्कॉलर्स को भी पढ़ा करें, पढ़ के फिर आप दोनों की रीजंस को देख के मैच करके फिर आप
डिसीजन लिया करें कि जनाब ये सही है। तो जनाब ये है इस लेक्चर की डिटेल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम फिर हिस्ट्री में पूरी डिटेल से फिर क्या क्या इशू आए फिका में तो वो हम स्टडी करेंगे। अभी जो सवाल आता है बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा।